हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपना चैनल कुमार क्लासेस में। और जो आज का न्यूज है, ब्रेकिंग तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन न्यूज है आपके लिए, ब्रेकिंग भी हो सकता है आपके लिए अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपने अगर 11th बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं 98% जो 11th को हल्के में लेते हैं और वो प्रॉब्लम्स आते हैं 12th में, बट कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो वैसे ही हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का मीनिंग क्या है कि जो आपने 11th क्लास में कोई भी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो के लिए भी करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या किया है, एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है। अभी हम लोग 3 लोग ही अवेलेबल है यहाँ पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए अभी बायो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन बायो का भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें मैं आने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये ब्रिज कोर्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है उम्मीदों वाला ब्रिज कोर्स, बिल्कुल उम्मीद छोड़ना नहीं है आपको। अगर आपने ठाना है कि 12th में 95% लाना है तो आपको उम्मीद छोड़ना नहीं है, भले ही आपने 11th में पढ़ाई नहीं किया हो। तो 11th का जो ब्रिज है, जो आपका गैप आ गया है 11th 12th के बीच में, वो हम भरपाई करेंगे। तो मेन कोर्स का मकसद यही है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ओवरबर्डन एंड स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू हेक्टिक लाइफ, सो टू रिफ्रेश देयर क्रिएटिव माइंड दे शुड ज्वाइन दिस कोर्स। और ये ज्वाइन बिल्कुल, ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, मीन इसका कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ही है, बट आपको सीरियसली इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना है, और उसमें कोई भी डाउट आता है तो आपको उसमें कमेंट सेक्शन में डालना है, तो हम लोग पॉजिटिवली उस पर काम करके और आपको अपडेट करते रहेंगे, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स तो मैं खुद पर आने वाला हूँ, केमिस्ट्री के लिए हमारे सर हैं अदुम्बर सर, केमिस्ट्री ट्रेनर, बीएससी यूनिवर्सिटी टॉपर, एमएससी यूनिवर्सिटी टॉपर, इनको जो एक एनसीएल होता है नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी, वहाँ पे भी इनको मिला हुआ था। क्या किया था सर आपने, ट्रेनिंग किया था ना वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग किया हुआ है इन्होंने, तो काफी ओल्ड है इनका, 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये हमारे आकाश सर, जिन्होंने VJTI से MTech कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको फिजिक्स का जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी जो लगने वाला है आपको 12th क्लास के लिए, जो भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट है, वो सब सिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं इन लोग से ही बात कराता हूँ आप लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो आपको अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है तो आप इस ब्रिज कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिक से लेके डिफिकल्ट लेवल तक सारा पार्ट्स पढ़ाने वाले हैं, और हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ये अपना चैनल है ऐसा आप समझ सकते हो, और जो भी कुछ आपको सजेशन देने हो या फिर आपकी कुछ भी डिमांड होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियो को देखो, सीखो, वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि हमारा जो नॉलेज हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश सर एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। ओके, सो बेसिकली द कोर्स इज डिजाइंड लाइक दैट टू लेवल अप द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। सो इफ यू आर इन 12th क्लास इट इज वेरी यूजफुल, एंड ऑल्सो इफ यू आर इन 11th क्लास देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। These videos are basically 20-25 minutes. Am I right, sir? Yes, yes. Yeah. So it's like that. It may be 1 hour, लेकिन bore नहीं हो करोगे आप लोग। Yeah, yeah. It will 100% रहेगा, और कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, इसलिए आप सुबह में रात को जब भी आपको टाइम मिलता है, हम लोग एक साथ तीनों वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, सो दैट कि आपका 3 hours चल जाए। मतलब 1 hour तो आप निकाल सकते हो अपने लाइफ में, अगर आपको चाहिए 95% तो कुछ तो सेक्रीफाइस चाहिए। सेक्रीफाइस नहीं करना है तो 1 hour ज्यादा पढ़ाई करना है। Yeah. So just stay tuned with us. Regularly, I suggest you that you just watch this video regularly, because if you skip that one video, then there is difficulty to grasp that another concept. So it's basically physics, mathematics or chemistry. It is like the relation. So once you get the first video, then only you are getting the second video. Okay, so just stay tuned with us. 100% it will be helpful. So thank you so much. So. चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, और बस एक ही बात याद रखिएगा, 11th क्लास के डर को करना है खलास, तभी तो दुनिया बोलेगी आपको शाबाश शाबाश जब लाओगे आप 95% पार मार्क्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय भारत।